सो गाइस, अगर आप लोगों का भी चेक का अकाउंट रिवोक हो चुका है और आपने चेक को एप्लीकेशन भी ईमेल के थ्रू सेंड कर दी है, तब भी आपका अकाउंट जो है वो वापस नहीं आ पा रहा है, तो गाइस आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट रिवोक है और आप उसको दोबारा वापस चाहते हैं, तो आपके पास दो रीज़न है। एक तो आप दोबारा से अपना चेक का न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको चेक का दोबारा से न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको दो चीज़ें लगेगी। पहली चीज़ तो आपका पैन कार्ड, वो न्यू लगेगा, और जो बैंक अकाउंट आपने पहले से उसमें डाल रखा है चेक में, तो वो बैंक अकाउंट नहीं लगेगा, आपको कोई और डिफरेंट बैंक अकाउंट उसमें यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास दूसरा पैन कार्ड नहीं है और दूसरा बैंक अकाउंट नहीं है, तो डोंट वरी, आप घबराइए मत। आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चेक का जो है अल्टरनेटिव बताने वाला हूँ, जो बिल्कुल चेक की तरह ही बात वर्क करता है। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कोर जीरो, तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कोर जीरो पे लॉगिन करना है। पूरा उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सीधा लिखना है कोर्स हीरो रजिस्ट्रेशन। कोर्स हीरो रजिस्ट्रेशन लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है बिकम एन ट्यूटर एंड अर्न मनी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कोर्स हीरो की पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद थोड़ा सा आपको जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एज अ ट्यूटर विद कोर्स हीरो यू कैन मेक एक्स्ट्रा मनी वर्क व्हेन यू वांट हेल्प स्टूडेंट स्टडी एंड लर्न, यानी कि आप यहाँ से एक्स्ट्रा मनी भी अर्न कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मनी आप कैसे अर्न कर सकते हैं? टॉप ट्यूटर्स अर्न अराउंड 15,000 ईच मंथ ऑफ द आंसरिंग क्वेश्चन इन द सब्जेक्ट मैटर डोमेन। ओके, 15,000 हर मंथ की, $15,000 हर मंथ आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं एज एक्स्ट्रा मनी। और आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं जब आप चाहे, जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, जब आपके पास फ्री टाइम हो, तब आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स की एंड लर्न करने में। तो यहाँ से आप पैसे कैसे अर्न करते हैं, यहाँ से पहले आपको मैं इसका प्रोसेस समझा देता हूँ। इसका प्रोसेस ये है, जैसे चेक पे वर्क करते हैं सेम एज इट इज़ इस पर भी वर्क करना है आपको। इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसके स्टूडेंट्स को आंसर प्रोवाइड करने हैं। तो चलिए आप इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे लिखेगा अप्लाइंग टू बी आर ट्यूटर इज ईजी। तो इसमें आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना होगा। प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड सेलेक्ट योर ट्यूटरिंग सब्जेक्ट, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी और अपना जो ट्यूटरिंग सब्जेक्ट है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आप यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स देना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी आईडी अपलोड करनी पड़ेगी और अपना अकेडमिक क्रेडेंटियल्स अपलोड करना पड़ेगा। क्रेडेंटियल मीन्स जो भी आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, या फिर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको इसमें अपलोड करनी पड़ेगी। तो अपलोड करने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपका अप्रूवल विद इन 7 डेज हो जाएगा अगर आप पास होंगे तो। तो चलिए गाइस, अब आपको इसको करके दिखाता हूँ। ये तो आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया। आप क्रिएट ट्यूटर अकाउंट पे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और आई एम नॉट रॉबोट लिख के पे क्लिक करके एज अ ट्यूटर यहाँ पे साइन अप कर देंगे। तो जब आप इस पे करेंगे तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स आ जाएंगी। तो ट्रैफिक लाइट्स पे आप भर दीजिए पहले जितने भी ट्रैफिक लाइट्स हैं, वेरीफाई कर दीजिए। आप देख सकते हैं मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फिल हो चुकी है और यहाँ पे ग्रीन रंग का टिक लग चुका है। उसके बाद आपको क्या डालना है? वट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यू हैव कंप्लीटेड। आपको अपनी हाईएस्ट लेवल एजुकेशन डाल देनी है। अगर आपने अभी हाई स्कूल कंप्लीट किया है तो हाई स्कूल, या फिर अभी करंटली आप कॉलेज में अटेंड कर रहे हो, यानी करंटली आप कॉलेज कर रहे हो, तो आप वो भी डाल सकते हो। अगर आपने बैचलर्स डिग्री कर ली है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैं बैचलर्स डिग्री कर चुका हूँ तो मैं ये डाल देता हूँ। वट इज़ योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, यानी कि भी आप स्टूडेंट हैं या फिर आप बेसिक एजुकेशन टीचर है, कॉलेज प्रोफेसर है, लाइसेंस इंजीनियर है, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ अदर ऑप्शन, क्योंकि मैंने मुझसे कुछ भी नहीं हूँ। जो भी आप होंगे तो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर देना। हैव यू ट्यूटर बिफोर, आपने यहाँ पे पहले कभी पढ़ाया है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप इसमें येस भी कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ाया तो नो कर सकते हैं। वैसे मैं आपको प्रेफर करूँगा येस करना, क्योंकि आप यहाँ पे भी एज अ ट्यूटर ही स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करेंगे। डू यू ट्यूटर और एनी अदर प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स, यानी कि आप किसी भी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्यूटर हैं, तो इसमें मैं नो कर दूँगा, क्योंकि मैंने काम किया हुआ, बट इसमें नो करना है तो वो बेटर रहेगा। इफ़ यू आंसर येस अबाउट वट प्लेटफॉर्म, अगर आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे काम किया है तो आपको यहाँ पे उसका आंसर देना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली नो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई रेफरल कोड होगा तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। हाउ डिड यू हियर अबाउट, आपने यहाँ पे कोर्स हीरो के बारे में कहाँ से सुना है? कोर्स हीरो के बारे में मैं सोशल मीडिया यहाँ पे सिंपली डाल दूंगा। और विच प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का आपने यहाँ सुना, तो हम यहाँ पे डाल देंगे इंस्टाग्राम,
तो अगर रेफरल कोड है तो यहाँ पे आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। आप नेक्स्ट स्टेप पे आप नीचे क्लिक कर देना। सो गाइस, जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने अभी जो वैकेंसी निकली हुई है, आपको वैकेंसी बता देता हूँ। मैथ्स की वैकेंसी यहाँ पे है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि मैथ्स के अंदर जो सब्जेक्ट आ जाते हैं, एलजेब्रा, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, जियोमेट्री, लीनियर एलजेब्रा, लॉजिकल रीजनिंग, तो ये सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैथ में अवेलेबल है। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर मैटलैब, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये दो सब्जेक्ट्स अभी अवेलेबल है। तो जिन्होंने भी इन दो सब्जेक्ट्स में, मैथ और स्टैटिक्स, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आता है, तो आप इनमें अपना चूज करके आगे एज अ ट्यूटर वर्क कर सकते हैं। तो आप बिजनेस में देख लेते हैं, बिजनेस में अभी अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। तो बेसिकली मैं तो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट करूँगा, बिकॉज मैं इकोनॉमिक्स में तो मैंने मास्टर्स किए, तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी सब्जेक्ट होंगे ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा। बेसिकली मैं चार सब्जेक्ट यहाँ के सिलेक्ट करता हूँ और कुछ मैनेजमेंट के सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें मेरे थोड़े बहुत नॉलेज है, ठीक है। और बाकी गाइस अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप ऊपर देख सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस में जो जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं तो वो आप सब चूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिसमें भी आप लोग मतलब एज अ ट्यूटर आंसर दे सकते हैं उसी सब्जेक्ट को चूज़ करना, बिकॉज आपको आगे जाके इसमें आंसर्स देने पड़ेंगे। इंजीनियर से रिलेटेड भी यहाँ पे है अवेलेबल है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, सोशल साइंस से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी मैंने सिर्फ 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, वो भी इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि मुझे इनमें थोड़ा बहुत आंसर देने में ईजी लगती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक कर देना। अब मैंने, सो गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, जिससे भी रिलेटेड सब्जेक्ट आप आगे चूज़ करेंगे उसका आपको एक क्विज़ भी देना पड़ेगा। तो एक क्विज़ मेरे को पहले इकोनॉमिक्स का देना पड़ेगा, और मैंने 2 सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, तो इसलिए मैंने दोनों सब्जेक्ट्स का, एक मैंने मैनेजमेंट में से एक सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो मुझे इन दोनों का क्विज़ देना पड़ेगा और इन दोनों के क्विज़ में पास होना पड़ेगा। तो चलिए मैं पहले इन दोनों का क्विज़ दे लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि आपको वेरीफाई बैकग्राउंड कैसे करना है, क्योंकि थर्ड स्टेप जो है वो टेस्ट योर नॉलेज, जो मतलब जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं उसमें आपको नॉलेज है कि नहीं है वो बताएंगे। चलिए एक बारी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि किस तरह के क्विजेस इसमें पूछे जाते हैं। यू आर अबाउट टू स्टार्ट द क्विज फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें 30 मिनट्स मिलेंगे और एक ही अटैम्प्ट मिलेगा मुझे, एक अटैम्प्ट में इसको पास करना होगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपको एक बारी ओवरव्यू करवा देता हूँ। तो 10 क्वेश्चंस है मेरे सामने, इन 10 क्वेश्चंस के आंसर मुझे 30 मिनट्स के अंदर अंदर देने होंगे। चलिए मैं इसके आंसर देना स्टार्ट करता हूँ। मैंने दोनों टेस्ट्स पास कर दिए, इकोनॉमिक्स का भी और मैनेजमेंट का भी। आप नीचे देख सकते हैं पास्ट और पास्ट लिखा रहा है। तो दोनों टेस्ट करने में मुझे 30 मिनट्स लगे और एक ही अटेम्प्ट मिलता है। इसमें मुझे पास होने के लिए 70% से हायर मार्क्स अचीव करने होते हैं। तो मैंने दोनों में कर लिए क्योंकि मुझे दोनों के बारे में अच्छी नॉलेज थी, इसलिए मैंने दोनों को 30-30 मिनट लगे काम इसका, मैंने मतलब आंसर इसके निकाल दिए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है अपना बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड आप कैसे वेरीफाई करेंगे, अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स बिलो विल हेल्प अस वेरीफाई योर बैकग्राउंड, यानी कि आपकी आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कौन सी जगह पर रहते हैं, आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की है, तो वो सब आपके बैकग्राउंड के अंदर आ जाता है। हेयर आर टिप्स ऑन वट डॉक्यूमेंट्स आर बेस्ट टू अपलोड। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स बेस्ट रहेंगे आपको अपलोड करने के लिए, ताकि आपकी जो प्रोसेस है उसमें रिजेक्शन ना आए और आपका आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आंसर बोर्ड जो है वो प्रोवाइड हो जाए कोर्स हीरो की तरफ से, तो आप यहाँ पे हेयर आर टिप्स पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। योर इन्फॉर्मेशन विल बी सेफली प्रोसीड इन, यानी कि हमारे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ है अकॉर्डिंग टू विद प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब यहाँ पे कैसे ऐसे अपलोड करने हैं, अपलोड अ पिक्चर ऑफ योर आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यानी कि जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उसकी आपको यहाँ पिक्चर अपलोड करनी है। अपलोड अ सेल्फी विद योर आइडेंटिफिकेशन कार्ड, एक सेल्फी अपलोड करनी है अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड के साथ। और अपलोड अ प्रूफ ऑफ एजुकेशन, जो भी आपने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है जो कुछ भी किया आपको वहाँ इसका एक प्रूफ अपना यहाँ पे अपलोड करना है। आप क्या क्या चीज़ें अपलोड नहीं कर सकते, अपना रिज्यूम अपलोड नहीं कर सकते, अपना CV अपलोड नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन और इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन का और इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। क्रॉप और ब्लरी डॉक्यूमेंट्स, जो क्रॉप कर रहा हो और ब्लर डॉक्यूमेंट हो, जो आपने किसी क्रॉप करा हो या फिर ब्लर आ रहा हो थोड़ा सा, वो डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स डैट डो नॉट इंक्लूड योर फुल नेम, जिसमें आपका फुल नेम इंक्लूड नहीं है वो भी आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। तो चलिए मैं फटाफट ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ और आप भी यहाँ पे अपलोड कर लेना। अगर कोई भी आपको इसमें अपलोड करने में कोई भी इशू फेस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपका उसको मैं आपका उसका सिचुएशन, उस सिचुएशन का क्या आंसर होगा आपको मैं कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा। तो चलिए अभी मैं इनको अपलोड कर देता हूँ।
तो गाइस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप यहाँ पे जो भी अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड लगा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कार्ड मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एक्सेट्रा, या फिर अपना आप आधार कार्ड इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली तो यहाँ ड्राइवर्स लाइसेंस लिखा है, यानी कि आप ड्राइविंग लाइसेंस ही यहाँ पर लगाना। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ अपलोड करेंगे, उसी ड्राइविंग लाइसेंस को आपको हाथ में पकड़ कर यहाँ पर भी एज इट इज़ फ़ोटो अपलोड करनी है। अगर आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं और यहाँ अपने आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, तो 101% चांसेस हो जाते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो रिव्यू में ही रहेगा, उसका आपको कोई आंसर नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड यहाँ अपलोड कर रहे हैं वही आपका यहाँ पर अपलोड होना चाहिए। चलिए अपलोड कर देता हूँ, तीनों डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मैंने अपलोड कर दिए, उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया था। तो आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। तो आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस आप देख सकते हैं, अभी आपका भी यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस शो हो जाएगा आपको, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द कोर्स, योर ट्यूटर वी रिसीव योर एप्लीकेशन एंड यू आर वन स्टेप क्लोजर टू हेल्पिंग स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि आपका ये धन्यवाद कर रहे हैं, आपने कोर्स योर ट्यूटर में अप्लाई किया है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनको रिसीव हो चुकी है, तो आप सिर्फ एक स्टेप दूर है हेल्पिंग करने में स्टूडेंट्स की पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो अब ये क्या, गिवन द नंबर ऑफ ट्यूटर एप्लीकेंट्स वी रिसीव, प्लीज़ अलॉट ऑफ 5 business days फॉर आवर टीम रिव्यू और एप्लीकेशन। तो यानी कि इसमें 5 दिन लगेंगे, कम से कम भी 5 दिन के अंदर अंदर ये आपकी जो आपने एप्लीकेशन डाली है उसको रिव्यू करेगी, और रिव्यू करने के बाद अगर आप पास हो जाएंगे तो आपको आंसर्स के जो क्वेश्चंस आंसर जो बोर्ड है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा आपकी मेल पे, जो भी आपने मेल स्टार्टिंग में डाली होगी। अगर आपके पास वर्किंग डेज के अंदर अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप यहाँ पर नीचे इनकी मेल पर मेल करके ही पूछ सकते हैं, जो कि है tutorsapplications@coursera.com। तो यहाँ पे भी आप इन्हें मेल करके पूछ सकते हैं। तो वैसे तो आप 5 वर्किंग डेज के अंदर ही आपका जो है वो एप्लीकेशन का जो भी आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस तरह की और भी कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ फेस हो रही है कोर्सेरा के रजिस्ट्रेशन के अंदर, या चेक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पूरी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ।